स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के इस वीडियो में। और यहां पर आप सबसे कहना चाहूंगा, वीडियो बहुत ही बढ़िया है और अहम खबरें हैं, तो यहां पर वीडियो को फटाफट आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर देना। अभी अभी यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बजट स्वरूप जो है पेश किया है, आर्थिक सहायता के लिए लोगों को जो है खाना मुहैया हो और सुविधा हो सके इसके लिए बजट लेकर के आई थी 1,70,000 करोड़ का। तो 1,70,000 करोड़ का बजट है। ऐसे में इस बजट को लेकर के काफी लोगों की निगाहें इस बजट पर टिकी थी कि किसे क्या सहायता स्वरूप इस समय मिल रहा है, जिस समय जो है देश में आर्थिक संकट है और तो और महामारी की समस्या तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो यहां पर लोगों को खाने पीने के लिए या और भी जरूरी जो साधन है वो जुटाने के लिए सरकार कैसे प्रयास कर रही है। दिहाड़ी के जो मजदूर हैं, जो बेचारे डेली कमाते थे और डेली खाते थे, तो उनके लिए सरकार ने क्या किया है और किसे किसे कौन सी सुविधाएं इस समय मिलेंगी, क्योंकि इस समय आर्थिक बाजार एकदम से ठप पड़ा है, किसी भी तरीके से कुछ भी हो नहीं रहा। तो आइए देखते हैं आंगनबाड़ी बहनों, यहां पर किसे क्या दिया गया और आंगनबाड़ी की जो भी अन्य खबरें रहेंगी वो भी आप लोगों को इस वीडियो में मैं दे दूंगा। तो आप लोग कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और शांतिपूर्वक देखिए। यहां पर आपको बताना चाहेंगे, कुछ हमारे पास खबर भी है, उन पर हम बाद में आएंगे, पहले इस बजट के बारे में हम जिक्र करते हैं। कोरोना संकट पर आर्थिक पैकेज की बड़ी बातें, कौन कौन सा ये पैकेज है जो कोरोना की समस्या चल रही है, इसके मद्देनजर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने अभी अपना जो खजाना है, वित्त मंत्री के पद पर है तो ऐसे में खजाना खोला है, तो किसे क्या दे रही है वो लोग आप सब देखिए। गरीबों को 1 किलो दाल प्रति परिवार अगले 3 महीने तक दी जाएगी, ऐसा उनका कहना है। गरीबों को 1 किलो दाल प्रति परिवार अगले 3 महीने तक दी जाएगी, तो 3 महीने तक जो है ये सब कुछ मिलेगा गरीबों को 1 किलो दाल। आगे आपको बताना चाहेंगे, लिखा है बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों को 3 महीने तक 1,000 रुपया ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो बताया जा रहा है जो बुजुर्ग थे, विधवा थे, दिव्यांग थे, यदि आप किसी के वहां तक वीडियो जा रहा है, आपके घर में कोई इस तरह का है, तो ऐसे में आपको बता दूं, जितने पैसे अभी तक आपको पेंशन स्वरूप मिल रहे थे उसमें आप लोगों को अब 1,000 रुपया ज्यादा मिलेगा, बताया जा रहा है 3 महीने तक ज्यादा मिलेगा। और आगे क्या होता है वो 3 महीने के बाद डिसाइड किया जाएगा, आगे भी समस्या यदि ऐसे ही रही तो आगे भी हो सकता है आप लोगों को मदद स्वरूप ऐसे ही मिलता रहे, लेकिन अच्छा रहेगा जितनी जल्दी इन माहौल पर जो है हम लोग काबू कर रहे हैं और आगे समय ऐसा ना आए तो ही अच्छा है। लिखा है हर व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न अलग से फ्री में मिलेगा। और आगे आपको बताना चाहेंगे, लिखा है मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ा करके 202 रुपया किया गया है। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कृपया ध्यान दीजिए और बातों को सुनिए। मनरेगा के जो मजदूर थे, दिहाड़ी वाले थे, 182 रुपए से बढ़ा करके बताया 202 रुपए अब उनको कर दिया गया है। तो दिहाड़ी उनकी 182 रुपए पहले जो मनरेगा वालों की थी, अब उन्हें 202 रुपए के हिसाब से डेली का जो है पैसा उनके खाते में आएगा जो मनरेगा मजदूर है, ताकि वो लोग अपना खाना पीना जो है अपना घर का चला सके। ऐसे में काम धंधा तो सब चौपट है, तो उन गरीब लोगों की मदद के लिए ये हाथ आगे बढ़ा है। आगे बताना चाहूंगा, लिखा है 3 करोड़ गरीब वृद्ध दिव्यांगों को भी मदद का ऐलान है। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर एक और आप देख सकते हो, 10वां पॉइंट लिखा है जनधन खाता वाली महिलाओं को 500 रुपया 3 महीने तक मिलेंगे। तो जो भी महिलाएं हैं जिनके यहां जनधन वाला खाता खुला था, तो ध्यान देना मेरी बात का, महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने तक मिलेंगे। तो 3 महीने तक के लिए 500 आपके आएंगे, तो 1,500 रुपए आपके 3 महीने के लिए हो गए, तो 500 रुपया महीना यहां पर लिखा है। जैसा कि देख सकते हो, जनधन खाता वाली महिलाओं को 500 रुपए 3 महीने तक मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 3 महीने का जो है 500 मिलेगा, तो एक एक महीने 500 आप लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद है। नीचे भी लिखा है जनधन वाली महिलाओं को 500 रुपए प्रति माह मिलेगा, नीचे आप देख सकते हो, तो 1 महीने का 500 रुपए जनधन खाता वाली महिलाओं को भी दिया जाएगा। आगे देख सकते हो लिखा है बुजुर्ग विधवा दिव्यांगों को 3 महीने तक 1,000 रुपए ज्यादा पेंशन मिलेगा, तो 1,000 एक्स्ट्रा पेंशन 3 महीने के लिए बुजुर्ग और विधवा और दिव्यांग जिनके घर में इस तरह की पेंशन आ रही थी, तो आप लोगों को 1,000 ज्यादा रुपया दिया जाएगा। आगे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न जो आपका योजना से 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलेगा, तो ये एक बड़ा ऐलान है आप लोगों को बता दें। लिखा हुआ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ लोगों को अन्न मिलेगा, 125 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या 80 करोड़ को अन्न देने के लिए यहां पर सरकार कह रही है। नीचे देख सकते हो लिखा है 100 कर्मचारी तक की जो छोटी कंपनियां हैं उनको भी सरकार मदद देगी। और आगे यहां पर लिखा है स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख रुपए के लिए बीमा का ऐलान, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी बेचारे उठा रहे हैं,
वहां पर आप देख रहे हो सबसे बड़ा जो संकट है स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर ही रहता है। इस समय लोगों की सेवा करने का जो एक अवसर है, भगवान स्वरूप जो है डॉक्टर को दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे में उनके लिए सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारी से जो जुड़े हुए हैं 50 लाख रुपए का उनके लिए बीमा का ऐलान किया है जो स्वास्थ्य विभाग के, तो स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए है। अब यहां पर एक बात आपको बता दूं, आंगनबाड़ी वर्कर ये ना सोचे कि आप जो है स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आती है तो आप लोगों के लिए ये सब कुछ है, तो यहां पर एक समस्या है। लेकिन यहां पर बताना चाहेंगे सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए था, हमारा बाल विकास विभाग को इस पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी कि स्वास्थ्य विभाग वाले भी जो इस समय अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर भी भूमिका निभा रही हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली चीजें हैं, यदि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बाल विकास आगे आता तो पुलिस विभाग वाले भी बेचारे हैं, वो भी कहेंगे कि हम भी अपनी ड्यूटी बराबर दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं, तो वो भी कहेंगे हमें भी 50 लाख की सुविधा मिले। तो यहां पर जरूरी ये नहीं है कि 50 लाख मायने नहीं रखते, जीवन सबसे अनमोल है, जान है तो जहान है। वही आप लोगों को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि अपने आप को सुरक्षित रखें, बाहर से आने वाले लोगों से बिल्कुल दूरी बना करके रखें। आगे आप लोगों को ले चलते हैं, फिलहाल के लिए आंगनबाड़ी वर्कर को साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा गया क्या मिलेगा, लेकिन हमारा फर्ज है आप लोगों को दिखाना, सच्चाई दिखाना, तो मैं सच्चाई बता रहा हूं। सरकार ने आंगनबाड़ी वर्कर को तो कुछ नहीं दिया, लेकिन आगे आपको बताना चाहूंगा घरों में दिक्कतें ना आए खाने पीने के लिए सरकार सुविधाएं जरूर मुहैया कराती रहेगी। आगे लिखा है दिहाड़ी मजदूर के बारे में, दिहाड़ी मजदूरों गरीबों के लिए 1,70,000 जो है करोड़ के पैकेज है, तो आपका 1,70,000 करोड़ रुपए है, इतने टोटल इस तरह का पैकेज आपके सामने आया है। उज्ज्वला योजना वाली महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर फ्री मिलेगा, यह एक बड़ी योजना है। तो हो सकता है बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें भी हों जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी हों। तो आगे लिखा है गरीबों को 1 किलो दाल प्रति परिवार अगले 3 महीने तक दी जाएगी, तो जो गरीब लोग हैं उनको 1 किलो दाल प्रति परिवार अगले 3 महीने तक के लिए वो भी दी जाएगी। आगे देख सकते हो उज्ज्वला योजना वाली महिलाओं को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर वगैरह मुहैया कराया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए, जो उज्ज्वला योजना वाली महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं, 3 महीने तक उनको गैस सिलेंडर मुक्त मिलेगा। 3 महीने तक चाहे आप 3 साल सिलेंडर खत्म वैसे भी नहीं होंगे, 2 महीने तक एक सिलेंडर चलता ही है, तो 1 सिलेंडर मान करके चलिए जरूर आपको फ्री में मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। आगे चलते हैं। अब दोस्तों आगे आप लोगों को अहम मुद्दों पर हम बात करने जा रहे हैं और बहुत सी जानकारी आपको समझाना चाहते हैं। हमारे पास एक मैसेज आया है बिहार से और शायद कहीं अलग जगह से भी हो सकता है नंबर है, इस वजह से नंबर नहीं दिखाना चाहूंगा। उनका कहना है कि दूध के कंटेनर ट्राली में भी लोग जो है छिप करके आ रहे हैं, मोटी रकम दे करके वो घर तक आ रहे हैं, और जो इनको पहुंचा रहे हैं ना मोटी रकम लेकर के, वो एक गलत काम कर रहे हैं, और क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो यहां पर चंद पैसों के लिए जो ये नियमों का उल्लंघन लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है और ऐसा ना करें। ये हमारी तरफ से आप सबको संदेश जाता है ऑल इंडिया की तरफ से, वीडियो को आप सब शेयर करें। यहां पर देख सकते हो संगीता तोमर बहन है, उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया, सुरक्षा कवच बनाएं, कोरोना को मार भगाएं। जैसा कि आप देख सकते हो लिखा है 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं और भीड़ भरी जगहों पर ना जाएं, मास्क का उपयोग करें, रोगियों से 1 मीटर की दूरी बना रखे रखें, और आंख नाक और लिखा हुआ मुंह को बार बार ना छुएं, खाने पीने की चीजें शेयर ना करें, और लक्षण आने पर जो डॉक्टर की तुरंत सहायता लें, और साथ ही साथ अपने घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा भी आप लोग खींच लें, ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, माँ बाप खासकर ध्यान दें, अपने बच्चों को बाहर ना जाने दें, और जो माँ बाप बाहर बहुत ज्यादा जा रहे हैं ना मजा लेने के लिए, तो बच्चों को उनका फर्ज बनता है कि माँ बाप पर थोड़ी निगरानी रखें। हमारे पास बहुत से वीडियो आते हैं जहां पर कोई माँ बाप अच्छे हैं तो अपने बच्चों को पीट रहे हैं इसके लिए कि आप वो बाहर नहीं जाएंगे, तो डांट रहे हैं, कोई पीट रहा है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है, बचा करके रखिए। अभी यात्रा करने से बचे, ये भी यहां पर बताया जा रहा है। आगे आपको बताना चाहेंगे कि लेटर हमारे पास लगा हुआ है, आदेश ये आ चुका है, और इस आदेश में क्या लिखा हुआ, काफी लंबा आदेश यहां पर है, 21 मार्च का जारी किया हुआ, इसे हम पढ़ेंगे नहीं और काफी लंबा है। लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, सरकार किस ओर ध्यान दे रही है लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए, उस पर हम जरूर बहस और बात करने वाले हैं। लिखा है दैनिक मजदूर जो हैं जिनके राशन कार्ड निर्गत नहीं है, उनके राशन कार्ड हेतु आवेदन पत्र प्राप्त सत्यापन कर उपलब्ध कराने हेतु जांच टीम का गठन। यानी कहने का मतलब है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं लेकिन राशन कार्ड उनके पास नहीं है, या मजदूर की श्रेणी में नहीं आते, कुछ इस तरह का प्रूफ नहीं है उनके पास कि वो गरीब हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, तो सरकार को कैसे पता चलेगा, तो उनके लिए कैसे सरकार चीजों को मुहैया करा पाएगी, तो काफी दिक्कत होगी। तो उनका भी इंतजाम किया जा रहा है, राशन कार्ड निर्गत करने के लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे, इसके लिए जांच टीम बन गई है। हमारे पास ये नगर क्षेत्र शाहपुर वगैरह से ये आप लेटर वगैरह देख सकते हो, तो टीम जो बनी है, टीम का गठन किया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भी इसमें ड्यूटी आप देख सकते हो ये लगी हुई है, सत्यापन अधिकारी वगैरह देख सकते हो, मोहल्ला पता कोटेदार का नाम सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हैं यहां पर, आप लोगों को हम ये जानकारी दे रहे हैं सिर्फ
आप लोगों के मन में ये पता चले कि लोग बाग हमारी सरकार इतना प्रयास कर रही है, ये काम सब पूरे देश में चल रहा है, इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आगे इन चीजों को लेकर के शायद आप लोगों को मदद मिलेगी। आगे यहां पर लिखा हुआ ये रही कुछ लिस्ट वगैरह जो आगे जो है कोटेदार के वहां भेज करके सब कुछ बनाया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के भी यहां पर हस्ताक्षर वगैरह टाइप के हैं। आगे आपको बताना चाहेंगे मनीष ठाकुर भाई ने सारी जानकारी भेजी है, पूरी लिस्ट हमारे पास है, ऐसे जगह जगह चीजें बनाई जा रही हैं। बिहार सरकार की तरफ से नोवल कोरोना वायरस से संबंधित ये जानकारी आप देख सकते हो, यहां पर भी कुछ अन्य तरह से जानकारी लिखी हुई, जैसे यदि संक्रमण के लक्षण यथा लिखा हुआ है, खांसी, सूखी खांसी आती है, ये आपको बता दूं, सूखी खांसी, बुखार, छींक, सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत हो रही है तो अपने क्षेत्र अंतर्गत चिन्हित विद्यालय में आवासित रहेंगे। यानी कहने का मतलब है जिससे ये सुविधाएं यानी कि ये दिक्कतें आ रही हैं, खांसी सूखी आ रही है, छींक, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, यानी लगे कि कोरोना से संक्रमित है व्यक्ति, तो ऐसे को घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसे को जो गांव के बाहर जो आपके विद्यालय टाइप के हों या सरकारी भवन हो तो उसमें उसके ठहरने का इंतजाम करना चाहिए। और इसके लिए लिखा है संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, एएनएम तथा आशा, इसकी सूचना तत्काल संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखंड विकास अधिकारी को जो है आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें तत्काल अग्रेतर चिकित्सकीय जो है सेवा उपलब्ध कराई जा सके, क्योंकि घर में पड़े रहेंगे बताएंगे नहीं तो बिल्कुल भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो जिसे भी समस्या होती है वो सरकार को अपने आप बताए, नहीं बताते तो पड़ोस का बताए ताकि संक्रमण भी लोगों तक ना फैले और उनका इलाज भी हो सकेगा तो बच जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो बिहार की तरफ से लिखा हुआ है, इसकी सूचना अनिवार्य रूप से टोल फ्री नंबर दिया हुआ 104 पर अथवा जिले के सिविल सर्जन को दें। यह बिहार के लिए नंबर है 104, उत्तर प्रदेश के लिए 112 नंबर है, आपको बता दूं हेल्पलाइन के लिए। आगे आपको बताना चाहेंगे बिहार सरकार का यह एक लेटर 25 तारीख का, जिसमें काफी चीजें लिखी हुई हैं। आज के दिन बिहार में बैठक की गई है, जो आपका ग्राम पंचायत है ना वहां पर बिहार में बैठक की गई थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और वहां पर और भी जो ग्राम पंचायत के लोग थे उन्होंने भाग लिया था, इसीलिए कि गांव में जो बाहर से आ रहा है उसका रहने और खाने पीने का इंतजाम गांव से बाहर किया जाए, उसे अलग रखा जाए गांव वालों से ताकि संक्रमण गांव वालों में ना फैले, तो यहां पर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। लेकिन हमारे पास जानकारी यह भी आ रही है कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों को जो है लोग पीट रहे हैं इसके कारण, क्योंकि आंगनबाड़ी उनका नाम लिख करके दे रही है, इसके चलते लोग उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं जो कि बहुत गलत काम है, यहां पर आपको बताना चाहूंगा। और इसके लिए बस यही कहना चाहूंगा प्रशासन को इसमें सख्ती दिखानी चाहिए और आंगनबाड़ी की सुरक्षा के लिए उनको इंतजाम करने चाहिए। आगे यहां पर इस मुद्दे पर हम कल खुलकर के जब लाइव आएंगे तब बहस करेंगे हमारी आंगनबाड़ी के साथ में जो बुरा बर्ताव लोग कर रहे हैं इस समय, जिनका नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लिख करके दे रही है। पिंकू सिंह है, भाई है या बहन है, उन्होंने एक मैसेज भेजा है, यहां पर आप देख सकते हो, और घर घर जाओ, डाटा इकट्ठा करो, ये कुछ बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लेख लिखा था, बहुत अच्छा इसमें लेख है, इस पर खैर हम कल बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको बता दूं ये बजट कुछ ऐसा ही निकला, यहां पर आंगनबाड़ी के लिए कुछ अलग से सुविधाएं नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं पहली प्राथमिकता उन्हीं के लिए है कि उनके लिए 50 लाख का सरकार बीमा कर रही है, यदि उनके परिवार में यानी कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मी को कुछ होता है तो 50 लाख का बीमा उनका हो जाएगा, तो यहां पर उनके लिए प्राथमिकता है और इसका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया। लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक होते हैं हमारी आंगनबाड़ी वर्कर के लिए भी सरकार को कुछ फैसले लेने चाहिए और साथ ही साथ उन पुलिस कर्मियों के लिए भी सरकार को कुछ फैसले लेने चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारे, ये सभी लोग जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, मैदान में हैं, ग्राउंड पर लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इन सभी के लिए जो ग्राउंड पर मदद कर रहे हैं पहले प्राथमिकता सरकार की बनती है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसके बाद जो अन्य तरह की जो सुविधाएं हैं बीमा इमा, क्योंकि बीमा से कोई फायदा नहीं है, आर्थिक सुरक्षा यानी कि जो मौजूदा समय में सुरक्षा चाहिए उसकी जरूरत ज्यादा है, तो आंगनबाड़ी वर्कर हैं और बेचारे जो पुलिस वाले हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं, तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम सरकार को सबसे पहले करने चाहिए प्राथमिक दृष्टि से, बाकी की चीजें बाद में करनी चाहिए, और बाकी जो गरीब वाले किसान लोग हैं उनकी मदद के लिए सरकार को कुछ आगे फैसला लेना चाहिए, और जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए तो सरकार ने कदम उठाया है, अब ऐसे लोगों का बस चिन्हीकरण करना जरूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है कि कौन कौन जो है मजदूर है, कौन किसान है, कौन मनरेगा वाला है, तो ऐसे लोगों को पहचानना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए सामने जरूर आएगी, और इसके लिए आप लोगों को कहना चाहूंगा धैर्य बना करके रखिए, गांव वाले जो है एक दूसरे की मदद करिए, और बाकी जो बाहर से आ रहा है उसको गांव से बाहर रहने के लिए सभी गांव वाले एकजुट होकर के प्रयास करें, यदि कोई एक अकेला लड़ाई लेगा जैसे आंगनबाड़ी वर्कर नाम दे रहे हैं तो ऐसे में आंगनबाड़ी के ऊपर लोग बुरा बर्ताव कर रहे हैं, जबकि सभी को समझना चाहिए, सभी गांव वालों को समझना चाहिए, हर सभी पूरा गांव एक होकर के ऐसे लोगों को गांव से बाहर करें और उनका बाहर इंतजार करवाएं, खाना पीना का जो है बंदोबस्त करवाएं। लिखा है देख लीजिए घर लौटे लोगों की सूचना देने पर मारपीट वगैरह हुई है, तो इन सब मुद्दों पर हम आप लोगों से कल मिलेंगे, कल ही बात करेंगे, फिलहाल के लिए आज आपको ये खबर कैसी लगी जानिए, किसे क्या कितनी और कैसे मिलेगी आर्थिक मदद की राशि, फिलहाल अभी एक चुनौती सरकार के सामने मैं फिर कह रहा हूं बनी रहेगी, जो ये है कि
उन लोगों को पहचानना जो एक्चुअली में गरीब हैं, जो वाकई में जो गरीब हैं। बहुत से आंगनबाड़ी वर्कर भी जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, दो दो महीने का उनको मानदेय नहीं मिला था, वेतन की आंगनबाड़ी की समस्या बहुत बड़ी है, पैसा आंगनबाड़ी को एक एक दो दो महीने का कहीं कहीं नहीं मिला तो वो तो एक अलग बात है, कहीं कहीं एक एक साल दो दो साल का आंगनबाड़ी वर्कर का पैसा बकाया है बिहार में ही। तो उन बहनों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और ऐसे में उनको जो है ड्यूटी में भी लगा लिया गया। तो यहां पर हमारा बाल विकास विभाग भी कुछ फैसला कम से कम ले आंगनबाड़ी वर्कर की जिम्मेदारी उठाने का। मिलते हैं फिर आपको कल के अगले वीडियो में अगले मुद्दों और अगली बड़ी खबरों के साथ में।